दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था कि खुदा ने इंसान को जाहिल पैदा किया है, बेवकूफ नहीं। लेकिन इसके बरक्स बहुत से लोग अपनी जहालत को दूर नहीं करते, बल्कि बेवकूफ बनकर जिंदगी गुजार देते हैं और बेवकूफ ही मरते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जहालत को दूर करते हैं और जिंदगी में मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, उनका नाम दुनिया में बाकी रह जाता है। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की इब्तिदाई जिंदगी कैसी थी? 9 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन को बोलने में दुश्वारी का सामना था। मिजाज में शिद्दत के बाइस उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। लेकिन आज तबीयात के शोबे में आइंस्टाइन का नाम सबसे ऊपर लिखा नजर आता है। तो क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी जिंदगी के इब्तिदाई सालों में इतनी मुश्किलात का सामना था, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? वजह एक ही है, और वो है खुद को बदलने का फैसला। खुद की पहचान, अपनी सलाहियतों की पहचान, यही वो चीज थी जिसने आइंस्टाइन को इतने बड़े मकाम पर ला खड़ा किया था। अगर आपकी सोच ये है कि तालीम हासिल करके एक छोटी सी नौकरी करूंगा, शादी करूंगा, जिंदगी गुजारूंगा और बेवकूफों की सी मौत मरूंगा, तो सुनो, आप खसारे में हो, क्योंकि आपने उस खजाने को तलाश करने की कोशिश ही नहीं की जो खुदा ने आपके अंदर रखा हुआ था, जो आपको सबसे जुदा बना देता है, जो आपको दायमी जिंदगी अता करता है। आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होना चाहिए। अगर आपका काम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, आप कुछ ऐसा नहीं करके जाते जो दुनिया में हमेशा के लिए आपकी पहचान बन जाए, तो आप भी बेवकूफों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, आज ही ये फैसला करो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपके अंदर कौन सी काबिलियत पाई जाती है और आपको अपनी जिंदगी को किस समत लेके जाना है। क्योंकि तुम जाहिल जरूर पैदा हुए हो, लेकिन बेवकूफ नहीं। और अपनी जहालत को दूर करना और खुद को पहचानना, ये आपके जिम्मे है और ये आपको ही करना है।